विवादों के घेरे में आई द कश्मीर फाइल्स। मैनेजर एजाज खान ने बीच में रोकी फिल्म। नोएडा के जीआईपी मॉल में दर्शकों ने काटा हंगामा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ मामला। सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी से घबराया प्रशासन। कश्मीरी पंडितों पर बनी द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को बड़े पर्दे पे आने के बाद से ही पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां तक कि इसे लेकर अब तरह तरह के विवाद भी सामने आने लगे हैं। इसी बीच मंगलवार रात्रि को नोएडा के जीआईपी मॉल में चल रही द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अचानक बीच में रोक दिया गया। इसके चलते सिनेमा मैनेजर एजाज खान के खिलाफ दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। इससे नाराज दर्शकों ने सिनेमा हॉल में जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने सिनेमा के लोगों से बातचीत करने के बाद फिल्म को शुरू करा दिया गया। इसके बाद ही मामला शांत हो सका। दूसरी ओर मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद हिंदुओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आने लगी। इसे देख प्रशासन हरकत में आ गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक एसी खराब होने के कारण सिनेमा के लोगों के द्वारा स्क्रीन को बंद किया गया था, लेकिन बाद में एसी को ठीक कराने के बाद स्क्रीन को चालू कर दिया गया। इस बीच हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत करा दिया। दरअसल जीआईपी मॉल स्थित सिनेमा हॉल की स्क्रीन 2 पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म चल रही थी। मंगलवार शाम 7 बजे वाले शो में बड़ी संख्या में लोग फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे। फिल्म दर्शक रोहित अत्री ने बताया, शो के बीच में रात्रि करीब 8:30 बजे अचानक फिल्म को रोक दिया गया। जब इसके बारे में दर्शकों ने पूछा तो सिनेमा हॉल के कर्मचारियों ने कहा कि मैनेजर एजाज खान ने फिल्म को रोकने के लिए बोला है। इसके बाद सिनेमा हॉल में मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। गनीमत रही कि पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद फिल्म को चलाया गया। इसके बाद ही दर्शक शांत हुए। करीब 20 मिनट तक पर्दे पर फिल्म बंद रही। वहीं सिनेमा में फिल्म देख रहे दूसरे दर्शक की माने तो मैनेजर एजाज खान पिछले करीब 4 दिनों से कभी एसी बंद करके, कभी एग्जॉस्ट फैन को बंद करके, तो कभी पर्दे से फिल्म को बंद करके अवरोध पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं, दर्शकों ने आरोप लगाया कि 4 शो के बदले एजाज खान 2 ही शो सिनेमा हॉल में चला रहा है। यहां तक कि फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए सिनेमा हॉल के बाहर कोई भी होल्डिंग या पोस्टर नहीं लगाया गया है। इसे लेकर मैनेजर एजाज खान पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।